नमस्कार, ई लर्निंग की 6 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, या फिर उसे कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, और हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी एट द इनिशियल स्टेजेस कैलकुलेशन वर डन बाय द मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। 20वीं सदी की शुरुआत के स्टेजेस में जो कैलकुलेशन होती थी, गणना होती थी, वो मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस से होती थी। अबाकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस बाय द चाइनीज। जो चाइना ने एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम रखा गया था अबाकस। अबाकस का काम करता था, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन करता था, जमा और घटाव का कार्य। तो जो ये आपको पिक दिख रखी है, ये इस तरह का एबाकस होता था। इसको कुछ पहला कंप्यूटर भी बोलते थे, या कुछ लोग पहला कैलकुलेटर भी कहते थे। मतलब ये गणना का कार्य करता था, इसमें हम जमा और घटाव भी कर सकते थे। स्कूल्स में हमने ये चीज़ देख रखी है, प्राइमरी स्कूल्स में शायद आप लोगों ने भी देख रखी होगी, किसको पहला कंप्यूटर कहा जाता था। इससे पहले 16 सेंचुरीज में जॉन नेपियर, एक इंग्लिश के मैथमेटिशियंस होते थे, उन्होंने मल्टीप्लिकेशन के लिए एक डिवाइस तैयार किया था, जिसका नाम था नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स एक डिवाइस था जिसको डेवलप किया था जॉन नेपियर में 16 सेंचुरीज में, जो क्या कार्य करता था, मल्टीप्लिकेशन का। इट परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट एंड डायगोनल मॉडिफिकेशंस। तो जो ये जॉन नेपियर ने अपना डिवाइस निकाला था, ये कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता था, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट वगैरह, ये सारे कार्य कर सकता था। स्लाइड रूल वाज डेवलप्ड बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एडमंड गंटर इन द 16th सेंचुरीज। एडमंड गंटर नाम के एक मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने एक स्लाइड रूल निकाला था। इट कुड परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये कौन कौन से ऑपरेशन कर सकता था, ये जमा, गुणा, घटाव और डिवीजन कार्य कर सकता था। तो ये जो कुछ इस तरह दिखता था, ये जो स्लाइड रूल था, ये कुछ इस तरह दिखता था। ये जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, इसको थोड़ा समझना है आप लोगों ने, क्योंकि ये चीज़ें हमने देखने रखी है, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। पर आप लोगों को हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का हम पढ़ रहे हैं उसकी आपको इतिहास पता होना चाहिए। लाइबनीज होते थे एक, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मशीन वॉज इंट्रोड्यूस विच कुड डू बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन 1673 में। 1673 में लेबनीज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद पंच कार्ड सिस्टम वाज डेवलप इन 1801 बाय चेक कार्ड। जो पंच कार्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस हुआ था 1801 में। देन एनालिटिकल मशीन वॉज डेवलप बाय द चार्ल्स बैबेज, दैट वॉज इंटेंडेड बाय टू बी अ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। तो जो ये सारे थे इससे पहले, ये सारे क्या होते थे, ये इसको मैनुअली करते थे, मतलब अपने हाथ से किया जाता था इसमें सारी गणनाएँ, गुणा, घटाव। तो जो पहली ऑटोमेटिकली मशीन्स डेवलप हुई थी, वो चार्ल्स बैबेज, आपने याद नाम याद रखना, चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, द फादर ऑफ कंप्यूटर इज़ चार्ल्स बैबेज।
ये क्वेश्चन जनरली पेपर्स में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के पिता कौन है, तो आंसर होता है चार्ल्स बाबेज, इसको आपने लिख लेना है। तो इन्होंने पहले ऑटोमेटिकली एक डिवाइस डेवलप किया जो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर सकता था। द कंप्यूटर हैज़ इवॉल्व फ्रॉम लार्ज साइज ऑक्यूपाइंग द बिग रूम सिंपली कैलकुलेटिंग मशीन्स टू अ स्मॉलर प्लेन साइज बट मोर पावरफुल मशीन्स कैपेबल ऑफ डूइंग हाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो ये जो आगे आगे हम हम ये ये पढ़ पढ़ रहे रहे हैं, हैं ये इसको जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था, जो कि हम अलग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को कितनी जनरेशन है, कि पहले जो कंप्यूटर होते थे वो किस तरह होते थे, फिर उस पर क्या मॉडिफिकेशन हुई, फिर वो किस तरह दिखे, और आज कौन सी जनरेशन चली है, और आज के कंप्यूटर किस तरह के हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर समझना है और याद रखना है कि पहले क्या होता था, अबाकस क्या है। थोड़ा सा हम अबाकस देख लेते हैं। तो जो ये कुछ आपको दिख रहा है, ये एबाकस होता था, ठीक है। इसमें ये यूनिट होता था, ये टेंस नंबर होते थे, 100 मतलब ये इकाई का होता था, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, ये ऐसे ऐसे होते थे। तो इसमें कैलकुलेशंस कैसे करते थे, जब हम ये वाली बीट्स, बीट्स बोलते थे इनको, जो भी ये गोले गोले, इसमें इसको बोलते हैं बीट्स, कि जब ये हम ये वाली बीट्स को ऊपर करते थे, यहाँ के लिए करना है एक सिंगल को, तो उसको काउंट किया जाता था 1। ऐसे इसको करेंगे, 2 को करेंगे तो 2, 3 को करेंगे 3, 4 को करेंगे 4, ऐसे ही इसको करेंगे ऊपर, सारी डाउन रहेगी, ये वाली ऊपर रहेगी, तो उसको करेंगे 11, ये 12, 13, 14, ठीक है। ऐसे ही 100 के ऊपर 101, 102, 103, 104। अब जब 5 लिखना होता था तो ये चीज़ को हम डाउन कर देते थे, सिंपल ये 1, 2, 3, 4, ये सारी डाउन रहेगी और ये भी डाउन रहती थी, तो इसको 5 करते थे। 6 के लिए ये डाउन रहेगी, ये ऊपर आ जाएगी, तो ऐसे 6 होता था, 7 होता था, तो कुछ इस तरह से गणना की जाती थी, ये सारी मैनुअली की जाती थी। तो अब ये चीज़ें यूज़ नहीं होती है, बट आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो शुरुआत कैसे हुई, और जो इस आज का मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कौन है। तो उनका नाम मैंने आपको बता दिया है, चार्ल्स बाबेज। तो इस वीडियो को आप समझिए, अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैंने जैसे कि पहले भी कहा है, जिन लोगों को बुक्स चाहिए वो लाइब्रेरी आ सकते हैं, यहाँ से अपने लिए बुक इशू करवा सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।